राष्ट्रपति के अंगरक्षक उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट देंगे। ऐतिहासिक पल ये, राष्ट्रपति जो कि देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, साथ ही पहली नागरिक देश की, वो प्रस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ अभिभाषण के लिए। राष्ट्रपति का कारवां अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट और अब ये काफिला धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ता हुआ फोरकोट की 31 आलिशान सीढ़ियां इसमें आप देख सकते हैं। सत्रहवीं लोकसभा का अंतिम बजट सत्र आज, और उसी में अभिभाषण के लिए प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काफिले के दाहिनी ओर कमांडेंट द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला, जिसमें आगे चल रहे हैं राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक, रुक लेते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ, और काफी ऐतिहासिक पल ये, बग्गी में वो सवार हैं और साथ ही साथ उनके घुड़सवार अंगरक्षक जिन्होंने पहले राष्ट्रीय सैल्यूट उनको दिया और अब आगे बढ़ता हुआ उनका कारवां। बिल्कुल, ये निश्चित तौर से ऐतिहासिक पल है जब राष्ट्रपति का कारवां इस समय बढ़ रहा है धीरे धीरे संसद भवन परिसर की ओर। ये वो नई संसद भवन परिसर की ओर बढ़ता हुआ काफिला है जो गवाह बन रहा है हमारे उन ऐतिहासिक पलों का, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 40 साल के बाद बग्गी में सवार होकर जो बजट सत्र है उसका जो राष्ट्रपति अभिभाषण है उसके लिए वो प्रस्थान कर रही हैं, और उनके साथ निश्चित तौर से जो काफिला है जिसमें घुड़सवार हैं और उनकी जो बग्गी है जी। इसका एक अलग ऐतिहासिक पहलू है, और इस बग्गी का उपयोग 1984
तक चलता रहा था और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था जी सुरक्षा कारणों की वजह से। पूरे के पूरे अगर कारवां में घोड़ों की संख्या की देख करीब 55 घोड़े होते हैं जी। और दो कमांडिंग अधिकारियों के साथ ये कारवां आगे बढ़ता हुआ सत्र का जो अंतरिम बजट सत्र है उसका जो अभिभाषण है इसके लिए राष्ट्रपति का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। रायसेना हिल से विजय चौक की तरफ अग्रसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक काफिला जो जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि साल का जो पहला सत्र है यानी जो बजट सत्र है उसमें भी और उसी के लिए ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये खासतौर से वो भव्य बग्गी जिसको 40 वर्षों के बाद एक बार फिर से हम यहां देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बजट सत्र आज से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा यानी 10 दिन का ये सत्र है और इसमें 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। मध्यम गति से ये कारवा अब आगे बढ़ रहा है नए संसद भवन की तरफ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में विजय चौक से ये मुड़ता हुआ काफिला नए संसद भवन की तरफ भारत का लोकतंत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और खासतौर से उसी लोकतंत्र के मंदिर की जब हम बात करते हैं नया संसद भवन फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो संविधान सदन है उसको भी